ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को 3 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो कोई न कोई बहाना बनाकर अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे क्या साबित होता है, आप कमेंट जरूर कर बताइएगा। आज अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के डर से थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि आज देश की जांच एजेंसियां बाज बनकर सभी भ्रष्टाचारियों को काट रही है। जो केजरीवाल कभी कहते थे कि भ्रष्टाचारी देश को दीमक की तरह खा जाते हैं, वही केजरीवाल आज खुद भारतीय राजनीति का दीमक बन गए हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को 3रा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस मामले में जांच एजेंसी को केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। इससे पहले ईडी 2 नवंबर और 21 दिसंबर को समन भेज चुकी है। ईडी का 3रा समन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना जवाब देते हुए कहा कि यह समन परेशान करने वाले विचारों से प्रेरित है। इसी बीच संविधान विशेषज्ञ अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक अर्थ न्यायिक निकाय है, वह अपने आदेशों की अवहेलना के आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है। किसी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए दिल्ली पुलिस से केजरीवाल की गिरफ्तारी में सहयोग करने के लिए कह सकता है। अब चूंकि यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर और समय होते हुए भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय के लिए अब एक बार फिर से पेशी के लिए नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। सर्वोच्च न्यायालय के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जांच एजेंसी उच्च न्यायालय के माध्यम से अपने आदेशों का पालन करने का दबाव भी बना सकती है, लेकिन उसके पास समय के साथ वारंट जारी करने और उसमें भी पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करने का अधिकार है। यह एजेंसी के विवेक पर निर्भर है कि वह अपने आदेश की पूर्ति के लिए किस विकल्प को अपना उचित समझती है। अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, संविधान के जानकारों का मानना है कि प्रवर्तन निदेशालय देर सवेर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है। शराब घोटाले से अलग केवल जांच एजेंसी के आदेशों की अवहेलना भी उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार बन सकता है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब पत्र से देते हुए कहा कि वे एजेंसी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और हर एक सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन वह इस दौरान राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस को होने वाले कार्यक्रम को लेकर काफी व्यस्त है। इसके बाद यह भी लिखा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है जिससे कि वह चुनाव प्रचार न कर पाए। उन्होंने लिखा, ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। केजरीवाल ने ईडी के पहले के समन को भी अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, घोटाला बंगला मधुशाला के अलावा केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पिछले 9 साल में दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं खुला। राजनीतिक कोष्ठ की बात करें तो पिछले विधानसभा में 56% वोट लेने वाली पार्टी नगर निगम चुनाव में 43 पर आ गई है। क्या कहना है ऐसे में आपका, इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।